जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भावसारा। तो मैं मालेगांव पहुंच गया हूं। मेरे शहर से 72 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर अभी चलेंगे आगे। यहाँ पे मैंने ट्रिप 00 किया था। लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता है दोस्तों। तो बस हाईवे पे कुछ ज्यादा था नहीं दिखाने के लिए। मालेगांव का कैंप एरिया है। और यहाँ से मुझे जल्दी भी निकलना है क्योंकि शाम को ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बस वही कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। तो मैंने सोचा चलो मालेगांव शहर का एक छोटा सा मोटो ब्लॉग बना लेते हैं। और मैंने हेलमेट 2 लिए हैं अभी, एक के ऊपर जो मैं एक्शन कैमरा लगा सकता हूँ, और दूसरा हेलमेट है जो अभी नया ही लिया है। तो उसके ऊपर एक्शन कैमरा माउंट करने का लगाया नहीं है, सेटअप नहीं किया है उसको, तो उसको घर जाके करेंगे। और इसका भी वाइजर लूज है काफी, इसीलिए इसको मैं ड्राइविंग के लिए नहीं यूज करता हूँ। लेकिन सोचा मोटो व्लॉग तो बना ही सकते हैं, अभी लाया ही है ये हेलमेट। तो नॉर्मली काफी ट्रैफिक होती ही है मालेगांव में, बट मैं कोरोना ये जब इसके बाद में ही आया हूँ, बीच में आया नहीं था। लॉन्ड्री का मटेरियल केमिकल लेने आते हैं हम मालेगांव। एक नंदुरबार का भी मोटो व्लॉग मैंने बनाया था तो काफी अच्छा लगा था लोगों को। तो मैंने सोचा कि चलो मालेगांव का भी मोटो व्लॉग बना लेता हूँ। ओ काफी बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर, पहले ही हमारी पल्सर का जो सीट है ना वो काफी रफ है। जब से मैं मालेगांव आ रहा हूँ ना, तब से मैंने यहाँ पे सिग्नल का पालन होते हुए मैं अभी देख रहा हूँ। इसे मौसम पुल कहा जाता है और वो वहां पे है शायद राम सेतु पुल। ये काकाने चित्र मंदिर है, यहाँ पे हॉलीवुड की पिक्चरें काफी लगती हैं। अभी तो बंद है कोरोना की वजह से, बट हॉलीवुड की ही पिक्चरें यहाँ पे ज्यादा लगती थी।
यहाँ फ्लाईओवर का काम शुरू है, काफी दिक्कत थी यहाँ पे ट्रैफिक की, तो अभी तो शुरू है फ्लाईओवर का काम, कब खत्म होगा पता नहीं, बट अच्छा हो जाएगा अगर फ्लाईओवर बनता भी है तो। अभी हम जाएंगे बस स्टॉप, और ये मालेगांव का बस स्टॉप, ये मेन बस स्टॉप है, एक छोटा वाला भी है। तो दोस्तों अभी कैसे जाएंगे, वारी पंढरीची विठुरायाची दर्शनाची, अगर किसी जगह पे मुझे दो बार जाना पड़े ना तो एक बार अलग रास्ते से जाएंगे और दूसरी बार अलग रास्ते से जाएंगे, ऐसा भी करेंगे। अभी मालेगांव में बाइक चलाने में काफी मजा आता है, काफी भीड़ भाड़ होती है, काफी ट्रैफिक होती है, और मुझे तो काफी अच्छा लगता है मालेगांव, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉन्ड्री का काम सीखने के लिए ये सारी सेकंड बाइक हमेशा इन्हें देखा करता था, कोई तो भी एक ले लेंगे, बट सेकंड बाइक लेने का हुआ नहीं, पहले स्प्लेंडर थी 10-12 साल यूज किया, नहीं लिया था, चोरी हो गई, अभी पल्सर है, एक और बाइक है पैशन, वो पिताजी और भाई चलाते हैं, और ये अपनी पल्सर UG5, कहीं भी ले चलो। वो न्यू बस स्टॉप था, न्यू मतलब मेन बस स्टॉप था, ये पुराना वाला बस स्टॉप है, ये लेफ्ट साइड में पुराना बस स्टॉप है, ठीक ठाक है, और यहाँ से जो भी गुजरात जाने वाली गाड़ी होती है वो मेरे शहर से ही होकर गुजरती है, तो अगर मैं कभी बाइक नहीं भी लाया तो उन्हीं गाड़ियों में सामान ले जाता हूँ। अभी हम जाएंगे किदवाई रोड, जो फेमस है, काफी सारे चीजें मिलते हैं, किदवाई रोड से बोलते हैं, हर सामान यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे काफी सारे ब्लैंकेट्स, चलो पहले जो काम लॉन्ड्री का जो मटेरियल लेना है वो पहले ले लेते हैं।
जाने दो पहले इनको। तेरा बिना जिंदगी में कोई, यहाँ पे डाल दो गाड़ी, अगर आगे जाना है तो, रुक गए तो रुक ही जाओगे। लगभग सब कुछ मिल जाता है। मालेगांव काफी बड़ा है, बस टाइम चाहिए आपके पास। अभी इधर से इधर जाएंगे और रात के 12-1 बजे भी आओगे ना तो भी यहाँ पे आपको भीड़ मिल ही जाएगी। तो चलो दूसरे दुकान पे जाएंगे। तेरे रश के कारण वो एक केमिकल का दुकान था वहाँ पे सामने, बट बंद है वो, तो अभी दूसरे शॉप पे जाना पड़ेगा। और ये हमारे मौसा जी की दुकान, कपड़ों की, साड़ियों की, राजलक्ष्मी कलेक्शन, बट थोड़ा टाइम की कमी के कारण हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक केमिकल की शॉप है। जो लिस्ट में बना के लाया था केमिकल वगैरह की, वो सारा कुछ मिल गया है। सिर्फ बंजी कॉर्ड नहीं मिल रहा है, वो मैं भी देख रहा हूँ, सर्च करूंगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने देते हैं। अगर मिल गया ना तो बंजी कॉर्ड। और कभी भी आओ यहाँ पे, आपको भीड़ मिलेगी, दुकानें चलती हुई दिखेंगी आपको हमेशा।
बंजी कॉर्ड। जाते टाइम बहुत ज़्यादा ठंड तो बजेगी, बट क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कहीं पे सर्च करते हैं, मिल जाएगा तो ठीक है। हार्डवेयर के शॉप में मिलेगा। हाँ, ये बंजी कॉर्ड कहाँ पे मिलेगा? वो हुक वाला नहीं आता है, बंजी कॉर्ड? नहीं, रबर का होता है। कितना पड़ेगा आप? यहाँ पे नहीं होगा। हर एक चीज मिलेगी। नहीं मिल रहा है। कोई जिम के इक्विपमेंट ले जाने हो तो यहाँ से मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज ले जानी हो तो यहाँ से मिल जाएगी। पाने पीने जो भी चाहिए यहाँ से मिल जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे मिलेगा। तो ये रहा मालेगांव। जाते टाइम बहुत ज्यादा ठंडी तो बजेगी, बट क्या कर सकते हैं। अभी जाना तो है ही घर, धीरे धीरे जाएंगे। कोई ज्यादा जल्दी नहीं, घर जाने की कोई ज्यादा जल्दी नहीं।